हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका फैशन। आई एम रितिका। ये क्रिएट करूँगी जाह्नवी कपूर का, इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेट टिश्यू ले लिया है, क्रीम गार्नियर का मिल्कर क्लिनजिंग वाटर। आज मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी सिज ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। कोई भी आप आई बेस जरूर अप्लाई करें, जिससे आपका जो भी आप आई मेकअप करेंगे उससे आपकी जो अच्छे से वो टर्न आउट होके आएगा। एवलिन का फिट मी लूज पाउडर ले रही हूँ और उससे इसको सेट कर लूँगी आईज को। यहाँ पे मैं ब्लिंडा ब्यूटी की पैलेट से ब्लिंजिंग शेड ले रही हूँ और इसे एज ए ट्रांजेशन शेड अप्लाई कर रही हूँ और इसको सॉफ्टली मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्लिंडा ब्यूटी की पैलेट से मैं ये पिंक डायमंड करके कलर है वो अप्लाई करूँगी और मैं फिंगर से ही इसे अप्लाई करूँगी। के बाद में हुडा ब्यूटी की पैलेट से मैं ये ब्लैक कलर ले रही हूँ तो मैं आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड करके लगाऊंगी। इसके बाद मैं मैक का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एक्स्ट्रा डायमेंशन कर्ल्स मस्कारा है, सो मैं इसे दो कोट अप्लाई करूंगी। बाद में लैसेस अप्लाई करूंगी पैक की। मैंने लैसेस अप्लाई कर ली है, अब अप्लाई करूंगी ये है वाइट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ग्लो किट। तो सबसे पहले इसमें से मैं लगाऊंगी वैक्स, के बाद मैं आईब्रोज करूंगी। ऑरेंज कंसीलर जो भी डार्क सर्कल एंड पिगमेंटेशन है उसको हाइड करने के लिए। इसका फाउंडेशन सिलिकॉन बेस है, नंबर है 37। इसमें मैं मिलाऊंगी सिज ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर। सो दोनों को अच्छे से मिक्स कर डैबिंग मोशन में। इसके बाद मैं इस तरह का एक ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी और अच्छे से इसको ब्लेंड करूंगी, छोटे ब्रश से करूंगी ब्लेंडिंग। बाद में करूंगी कंटूरर, उसके लिए ले रही हूँ मैं मेकअप स्टूडियो की पैलेट। बाद में अप्लाई करूंगी लाइनर। लिप सेट के लिए मैं ले रही हूँ मैक की महर, ट्रेंडिंग कलर है ये मैक का। तो इसी पे मैंने मिक्स किया है रूबी वू, मैक का ही ये भी है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा जाह्नवी कपूर रिक्रिएट लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।